हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एसएस व्लॉग। सो गाइस, आज हम आए इस्कॉन टेंपल गाजियाबाद। यहाँ पे जो स्पेशल है आज वो है गोवर्धन, जो कि यहाँ इतना बड़ा गोवर्धन बनता है। आज आपको दिखाते हैं और बात करेंगे यहाँ से कि कितना फुट लंबा गोवर्धन बना है यहाँ पे। और ये जो भी है, रात को बहुत अच्छा क्राउड मिलता है, काफ़ी भीड़ रहती है, तो आज हम दिन में ही आ गए इस चक्कर में। गाजियाबाद में सबसे बड़ा गोवर्धन की पूजा यहीं होती है। आइए अंदर चलते हैं और आप। अभी गोवर्धन पूजा की डेकोरेशन चल रही है और जो भी कार्यक्रम होगा वो रात में स्टार्ट होगा। ये गोवर्धन भगवान है। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन चल रही है यहाँ पे, लाइटिंग वगैरह, डेकोरेशन, फ्लावर्स की। ये लाइटिंग लगा रखी है, डीजे फुल लाइट। मम्मी भाई और दियो जरा, बड़े बड़े लगे हुए हैं। एक बार कर लेना तो ये, और उसके बाद लेना। अभी तो आगे बोर्ड ना, सुनो जब बोर्ड आ जाएगी तो फूल वाला आना। आपने गोवर्धन तो देख लिया, अब चलते हैं इस्कॉन मंदिर के अंदर और दिखाते हैं वहाँ पे कैसी तैयारी चल रही है। अब यहाँ पे बुक एंड गिफ्ट शॉप अवेलेबल है, आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगी। ये मंदिर के अंदर एंटर हो रहे हैं हम। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मंदिर में सजावट वगैरह चल रही है, तो इस चक्कर मंदिर ही बंद कर रखा है। शाम को मंदिर ओपन हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह कैसे लगा आपको इस्कॉन टेंपल? और सब गाजियाबाद का सबसे बड़ा गोवर्धन जो पूजा होती है वो यहीं होती है।
जैसे कि आपने सब कुछ देखा गोवर्धन में, अभी डेकोरेशन वगैरह चल रही थी, जो रात को इतना बढ़िया रहता है कि पब्लिक आती है यहाँ पे काफी देखने, और गाजियाबाद का सबसे बड़ा गोवर्धन यही लगता है, और लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन बहुत प्यारी होती है यहाँ पे। सो आप एक बार जरूर आए और नीचे कमेंट बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी, और नीचे कमेंट करके ये भी जरूर बताना आपको मंदिर कैसा लगा और आपने विजिट करा, जो इसका एड्रेस है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये RDC में इस्कॉन टेम्पल। एंड गाइज हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली और पटाखे मत। सो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपसे आप मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जो कि बहुत स्पेशल रहने वाली है, वो भी एक पूजा से रिलेटेड होगी, लेकिन वो दिन में सुबह 5 बजे होती है, उसका आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे कैसे होती है।